नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। लापुंग के देवगांव पंचायत में उप मुखिया चुनाव सह शपथ ग्रहण समारोह का हुआ समापन। प्रखंड के देवगांव पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अंचल अधिकारी अविनाश त्रिवेंदु, बीएसओ विजय रंजन तिर्की, पंचायत सेवक महेंद्र साहू ने कराया शपथ ग्रहण। इसी बीच उप मुखिया का भी चुनाव कराया गया, जिसमें 3 वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया का नॉमिनेशन फॉर्म भरा, जिसमें प्रतिमा खेस, जूबी उराम, कोढ़ा उराम ने उप मुखिया का नामांकन पत्र भरा। देवगांव पंचायत में 12 वार्ड सदस्यों ने मतदान किया। कोढ़ा उराम को 2 मत मिला, प्रतिमा खेस को 6 मत मिला, जूबी उराम को 4 मत मिला, जिसमें कुल 12 मत डाले गए। प्रतिमा खेस 6 मत लाकर उप मुखिया का ताज अपने नाम किया। विजय उप मुखिया को अंचल अधिकारी अविनाश त्रिवेंदु ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं अंचल अधिकारी अविनाश त्रिवेंदु ने नवनिर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों का मिलजुल कर पूरी पंचायत को विकास करने की बात कही। वहीं पंचायत सेवक श्री महेंद्र साहू ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग के पेंशन के बारे में विस्तार से बताया। सरकार की चल रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पंचायत के मुखिया दुर्गा उराम ने कहा कि सभी मिलजुल कर देवगांव पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने की बात कही। कार्यक्रम में मुखिया दुर्गा उराम, ग्राम पंचायत समिति सदस्य पूनम टोपो, समाजसेवी दशरथ उराम, समाजसेवी अरविंद तिवारी, मोहन विश्वकर्मा, भीमा बारला, राजेंद्र सिंह, बसंत लोहरा, धीर सिंह बढ़ाई, संजय महतो, नंदलाल शेखर सिंह, कृष्णा बराई, महेश महतो, मुन्ना महतो, सुरेंद्र महतो, पंकज, करमचंद उराम, रंजीत, अनिल, संतोष, प्रदीप, नंदू महतो सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।